तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। कोई है जो उसे शह दे रहा है। लेकिन कौन है जो इतनी घटिया हरकत कर सकता? मोहसिन साहब, वही जो हमेशा आपसे अलग रहा, आपकी मुखालफत की, कभी आपकी बात नहीं मानी जिसने, वही। पहेलियां मत बुझवाओ अकबर, मैं पहले तबरेज की वजह से बहुत गुस्से में। मोहसिन साहब, मैं यहां तबरेज का ही जिक्र कर रहा हूं। तुम ये कह रहे हो कि तबरेज ने रानिया को? जी, मुझे यकीन था कि रानिया जैसी डरपोक लड़की कभी भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती जब तक के उसको सहूलत कार ना मिले। तबरेज तो उसका बेहतरीन मददगार है, बहुत अच्छा दोस्त है उसका। लेकिन तबरेज उसे घर से कैसे जाने दे सकता है? ताकि रानिया से शादी ना करनी पड़े। कैसे हो सकता है कि निकाह से पहले रानिया घर छोड़ के चली जाए? मेरे बंदों ने शहर का कोना कोना छान मारा, रानिया की कहीं कोई खबर नहीं। मोहसिन साहब, हाँ लेकिन तबरेज तो खुद उसे तलाश कर रहा था। ड्रामा है सब ये मोहसिन साहब, यकीन करें। अरे आप क्या करें, रानिया को तलाश करने की बजाय तबरेज की निगरानी शुरू कर दें। रानिया की खबर मिल जाएगी। तबरेज आ गए तुम, कुछ पता चला? और सुनो, पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करा दी थी ना तुमने? अम्मी वो तबरेज जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो खुदा के वास्ते, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान मत हो, इंशाल्लाह अरहम और रानी मिल जाएंगे। कैसे परेशान ना हूं मैं? अरहम इतना छोटा सा मासूम मेरा पोता, वो रानिया यहां से उसको लेके अपने साथ चली गई है। अगर उस मनुज को दफा होना था तो अकेली चली जाती, उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की जरूरत क्या थी उसे? पता नहीं अब कहां कहां की ठोकरें खा रही होगी और साथ में मेरे मासूम बच्चे को भी परेशान कर रही होगी। क्या करूं? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। इस घर में किसी को परवाह है मेरी? उन्हें देखो ऑफिस जाके बैठ गए। अरे कोई एहसास है कि हो क्या रहा है? अल्लाह रानिया,